वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, हमारी जो है बारिश, आप लोगों को पता है कितनी हो रही है। ना ही हमारा नेट चल रहा है और लाइट भी नहीं आ रही है, तभी इसलिए हम क्या कहते हैं काले काले दिख रहे हैं। वरना जो है आप लोग पता है हमारा रंग इतना भी डिम नहीं है। और जो है बारिश ही हो रही थी। और आज हमारे साथ हुआ क्या, हमने सुबह ही सुबह उठाए, मम्मा की आँख खुली 7:30 बजे। मम्मा ने जल्दी जल्दी में हम लोग को उठाया, नाश्ता वगैरह किया और जो है क्या कहते हैं हमने यूनिफॉर्म वगैरह पहन के चले गए। और जो है जैसे ही हम लोग गए, मम्मा हाथ से सामने से मैडम आ रही, आज तो स्कूल की छुट्टी है। हालांकि रात में मैसेज जा गया था, अगर बारिश नहीं हुई, अगर पानी भरा हुआ भी हुआ तो हर हाल में स्कूल आना है। और क्या कहते हैं बारिश हुई और जो है फिर तो छुट्टी है, जाहिर सी बात है। पेपर भी था आज सूर्या और हानिया का, उर्दू टेक्स्ट का ओरल और डिक्टेशन। मेरा तो फिलहाल आर्ट था, आर्ट में इतना मसला नहीं होता। कह रही थी कि पेपर नहीं लिया जाएगा। और जो है हमारी गली में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ स्कूल बंद है, हमारे साथ भी यही किया। मैंने, ये स्कूल वाले सही हैं। चले गए, अभी तो हम लोग फिलहाल दोबारा सो रहे हैं, ब्लैंकेट में घुसे हुए हैं। ये देखें ब्लैंकेट में घुसे हुए हैं और फिर हम आपसे उठ के मिलते हैं। गाइस, अभी जो है हम लोग सोकर उठ चुके हैं और जो है बस सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं। क्या हुआ कैटी? कैटी की हरकतें देखें आप, ये देखिए लगी हुई है पता पंजे में, खेल लिए ये किस चीज़ से शायद। कैटी ये देखिए कैसे दिखती है ये। और यहाँ एक काम वाली बच्ची कुछ काम कर रही है। क्या काम कर रही है? और ये रही हमारी एक गुंडा भाई, इसका नाम गुंडा भाई है अपने। और इनका नाम क्या है आपको पता है? जब फूल जाना चाहिए लड़का की शर्ट में, इतना मुझे जैसे लगता है मैं लड़का सो रहा है। ओह माय गॉड, हानिया जी बेटी प्यारी को लग रही है, गोरी गोरी आ रही है, आ जाओ। मैं गोरी हूँ और गोरी रहूँगी। ओके चलें गाइस, अभी जो है टाइम देखें 1:15 हो रहा है और अब बिल्कुल अभी सोकर उठे हैं हम लोग। और बस क्या कहते हैं यहाँ की जो है सफाई होगी। नहीं नहीं नहीं, नीचे जाओ, नीचे नीचे। और यहाँ पे भी किचन अभी फैला हुआ ही है, बस मम्मा समेटेंगी। और आज हमने हलवा का नाश्ता किया था, हलवा पूरी का नाश्ता किया था हम लोगों ने। और यहाँ यहाँ पे भी पॉपिट पड़ा हुआ है हुरिया का। अल्लाह, एक तो पॉपिट की जगह बनाई हुई है फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आता, ये पता नहीं कैसे कैसे रख देते हैं ये लोग। जब मैंने कहा है पॉपिट एक जगह करके रखा करो। यहाँ पे देखें, ये हुरिया ही है हमारी, खेलती है, तीनों पॉपिट लेके बैठ जाती है। अब इसे भी ज़रा सही ठिकाने पर लगाऊँगी मैं। और इस रिमोट को तो यहाँ डालो। चले भाई, बन गई है पॉपिट की जगह, ये दोनों बस पीछे रहेंगे। अल्लाह, ये हानिया की जैकेट भी ना, बस ये दोनों पीछे रहेंगे, ये एक टैडी के हाथ में रहेगा। मम्मा ने जो है गाइस कपड़े धोए थे, और जिस दिन कपड़े धोए उसी दिन ही बारिश हो गई थी। बल्कि मम्मा कपड़े फैला रही थी और बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। और जो है बस अभी धूप निकली हुई है, हम सब धूप में ही खड़े हैं। ये रही हानिया और ये रही भैया। आज हमने कैटी को दूध नहीं दिया था क्योंकि आज हम लोग लेट उठे थे इसलिए। और सुबह सुबह जब हम लोग उठे थे तकरीबन गाइस 1 बजे के करीब, ये वाली घड़ी है ज़रा 1 मिनट पीछे, उस घड़ी में 1:15 हो रहे हैं, इसमें 1:10 हो रहे हैं। तकरीबन 1 बजे या 12:30 के करीब जो है क्योंकि धूप निकली है, वरना जो है बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी। और गाइस आप लोग को एक दफ़ा और बता दूँ, ये जो है क्या कहते हैं हमारे पास ना इतने सारे बस 3 ही ब्लैंकेट हैं, बस ये मैं समझे हम तीनों का, ये मम्मा पापा का है, ये हम तीनों का है, ये पर्पल वाला पता नहीं क्या कलर है ऐसी इसका। चार ब्लैंकेट है, एक नहीं तीन, कौन एक पुराना वाला है, एक वो वाला है, और ये वाला जो है नानू के घर से आया है। और जब भी हम नानू के घर पर जाते हैं यही वाला ब्लैंकेट लेते हैं। ये हम लोग तब लेते हैं जैसे रात के टाइम हम लोग जो टी वी वगैरह देख रहे होते हैं तो उस टाइम जो ठंडी ठंडी हवा चलती है उस टाइम लेते हैं। और पहले हम लोग ये चादर लेते थे, अब ना हम लोग क्या कहते हैं ये वाला ब्लैंकेट लेते हैं और इसके ऊपर ये वाली चादर डाल देते हैं। अगर ज़्यादा सर्दी होती है
तो रात में ना जैसे हम लोग क्या कहते हैं आप लेट सोने के लिए लेट गए, तो ये वाला ब्लैंकेट लिया, फिर वो वाला ब्लैंकेट लिया, फिर वाली चादर ली, इस तरह ना कवर हो जाता है। क्योंकि जो है ना मैं देखे मैं बड़ी हूँ, हानिया मुझे थोड़ी छोटी है, तो जो है मैं अगर ऊपर खींचती हूँ ना अपने सर के ऊपर जैसे कि अपने लेती हूँ ना, तो हानि हो रही है कि नीचे से मतलब पैर से नहीं, पैर ना इनके निकल जाते हैं ब्लैंकेट से बाहर, तो इसलिए ये लंबे क्या कहते हैं इसलिए ये सब लेती है। गाइस मैं अगर कोने में लेट हूँ, गाइस क्या कहते हैं अगर मैं कोने में लेटती हूँ ना, तो ये जो है ना ये जो लगे हुए सराना ये मेरे बार बार ना ठक ठक ठक, ये देखें तो हम लोग एक सेकंड इस पे हाथ मारा, आवाज़ कैसी आ रही है, ये हिलता है, ये मैं लेटती हूँ तो मेरी ना घुटने इसके ऊपर लगते हैं। एक सेकंड पहले मेरी एक मिनट, हम लोग के भी रखते हैं, मम्मा पापा भी परेशान होते हैं मेरी वजह से, क्योंकि जो ना ठक ठक करती हूँ। और गाइस तो हम आपको जगह दे देंगे। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वो करा, मैं भी ले। मेरी टांगे भी नहीं आती यहाँ पे, यहाँ से ना टांगे निकल जाती हैं, तो इसलिए मैं बीच में लेटती हूँ, सबसे कोने में हानिया होती, बीच में मैं होती हूँ, फिर यहाँ पे हो रही है मम्मा पापा। बहुत लगेंगी क्या क्या बात बताएं, जब बच्चों बड़ी हो जाएंगी मैट्रिक क्लास पास कर लेंगी तब भी क्या बच्चों बीच में लेटेंगे आप? नहीं इंशाल्लाह हमारा अपना घर हो जाएगा, फिर हम तीनों का अलग रूम होगा है ना, जिसमें पापा जानी ऐसा ही एक हमें बैठ देंगे जिसमें आप बीच में लेटा करूंगी। गाइस आप एक बात बताएं, जब बच्चों बड़ी गाइस इग्नोर एक मिनट, जब बच्चों बड़ी हो जाएंगी या बच्चों बीच में लेटेंगे या कोने में लेटेंगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तो मैं बड़ी हो गई ना। हाँ तो मैं भी पास कर लूंगी और बड़ी हो जाएगी तब की बात कर, तब तो फिर मैं अकेले ही लेटा करूंगी, डोंट वरी। थैंक यू। आज ये को बड़ी जेलिस होती है। कैमरा बंद करो। कर दिया मैंने बंद कैमरा। हाँ अच्छी बस चलो सफाई कर, आप लोग ज़रा माइंड मत करिएगा, आप लोग को पता है हानिया की आदत का, हुरिया की आदत का, मेरी आदत का, तो इसलिए बस चले गाइस सफाई कर लो। इससे पहले तो शिकायतों के पुल लगा देती हैं कि मामा बच्चों सफाई नहीं कर रही, मामा बच्चों सफाई नहीं कर रही, बस यही करती हैं। चले क्या कहते हैं मैं सफाई करती हूँ, फिर हम मिलते हैं। और आज जो है मदरसे की भी छुट्टी है, कल हम लोग ट्यूशन भी नहीं गए थे, मदरसा गए थे नहीं, हाँ मदरसा गए थे, क्योंकि जो है मदरसा तो हमारा नीचे ही है, दो गेट है, तो दोनों गेट से घूम घाम के चले जाते हैं। फिलहाल हम लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, नीचे दो और फ्लोर हैं, और जो है हम नीचे वाले फ्लोर में जाते हैं तो इतना बारिश का मसला तो नहीं होता, लेकिन ट्यूशन हमारा बहुत दूर है, मतलब बिल्कुल सीधा 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 जाते हैं, तो जो है स्कूल से पहले ही है, मतलब जैसे पहले हमारा ट्यूशन आता है ऐसे पहले हमारा ट्यूशन आता है, फिर उसके बाद ऐसा स्कूल आता है, बस यही है। तो जो है क्या कहते हैं हम लोग ट्यूशन तो नहीं गए थे, फिलहाल बारिश हो गई थी, और जो है हम लोग 4 बजे ट्यूशन जाते हैं, समझे 4:30 नहीं हाँ 4:15 तक ना बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, मम्मा ने कहा तो इधर रुक जाओ 4:30 4:15 तक चली जाना, तो फिर जो उनका मैसेज आ गया कि नहीं बच्चियों को फिर रहने ही दें घर में तैयारी करवा लें। और हमारा आर्ट का था, हानिया हुरिया का उर्दू का डिक्टेशन था, मेरा जो है आर्ट का था, तो जो है क्या कहते हैं बस फिर 5:30 6 बजे के टाइम इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, और यही हमारा टाइम होता है आने का, कभी हम मगरिब से पहले आ जाते हैं और कभी कभी मगरिब के बाद आ जाते हैं, तो इसलिए फिर हम शुक्र अदा कर रहे थे हमने कहा हम नहीं गए, वरना जो है ना फिर क्या कहते हैं वो होता है भागते हुए भीगते हुए आते फिर हम। और गाइस एक और बात तो बताना मैं भूल ही गई, आज शायद हम लोग ट्यूशन से आते मतलब आकर क्या कहते हैं हम लोग कहीं जाने का शायद ही प्रोग्राम बन जाए, या फिर नहीं या फिर घर में कुछ आ जाएगा, क्योंकि मामू जान हमारे बिल्कुल अचानक से क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, के बाल देखे हीरो लग गई, आप और हीरो यस हीरोइन यार एक बात है सब छोड़े कहीं जानी है मेरे प्रसल आती है आज बेटा चढ़ जाती है, और जो है अकेले में बताऊंगी मैं क्या बोलने वाली थी, मम्मा से पटोगी भी नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जो है आप क्या कहते हैं प्लीज़ हमारा ब्लॉग एंड तक देखिएगा कि ताकि आप लोग को पता चल जाए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अगर दुआ कीजिएगा हम लोग चले जाएँ। और जो है क्या कहते हैं हमारे मामू ना अचानक से प्रोग्राम बनाते हैं, और क्या ऐसे कैसे ऐसे फूल है ना मुरझावा होता है, मुरझावा होता है सॉरी, वो अचानक से यूं हो जाता है, जैसे आपने बच्चों का स्टाइल नहीं देखा यूं कैसे यूं कैसे कैसे यू यू यू
मैं क्या कह रही थी, हाँ प्लीज़ आप लोग ज़रा दूर कीजिएगा, हम लोग चले जाएँ बाहर कॉफ़ी वगैरह सूप वगैरह पीने। अल्लाह, और जो है क्या? अगर हम लोग गए तो जो है हम भी इंजॉय करेंगे और आप भी ब्लॉग में इंजॉय करेंगे। यहाँ की ज़रा सेटिंग बदल दी, यहाँ पे पहले ना चेयर्स रखी हुई थी, यहाँ जैसे आप लोगों को पता है यहाँ सीधे बिल्कुल आके चेयर्स रखी हुई थी, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं टेबल रखी हुई थी, यहाँ आनिया ने ना वो टेबल यहाँ पे रख दी और जो है ना चेयर यहाँ पे रख दी। मैं महारानी मैंगो जूस लाओ, चलिए यहाँ से। सर्दी में मैंगो कहाँ से लाऊं मैं? आज की महारानी को भी ना थोड़ी सी अकल होती है, सर्दी में मैंगो जूस। अच्छा कौन सा? एप्पल का। मैं महारानी एप्पल ना जरा अभी सही नहीं आ रहे, महंगे बहुत हो रहे, दागी बहुत हो रहे, तो जरा तो मुझे महारानी को सिखाओगी? जूस लाओ। सही, जब आपके जूस में कीड़े आएंगे ना तो फिर हमें नहीं बोलिएगा। हमारे घर में ऐसी गाइस ओवर एक्टिंग होती रहती है। चले हमने बहुत बातें कर ली, मम्मी की अभी आवाज़ आ जाएगी, आज ना बिस्तर समेटो, तो ज़रा हम प्लीज़ ज़रा बिस्तर मम्मा की आवाज़ से पहले ही हम काम कर लें। मम्मा खुश हो जाएंगी। जी बिल्कुल, महारानी हमारी, महारानी बधाई हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं ज़रूर महारानी बन के कैसी लगी, महारानी बन के कैसी लग रही है, इसका दिमाग कैसा था कि गर्मी और सर्दियों में मैंगो जूस दूँ मैं इन्हें? मैंगो कट करके दे देती तो हानी मैंगो आते ही नहीं है सर्दी में, आते अभी महारानी के लिए नहीं खा सकती, तो कहाँ से लाओ मैं दरख्त बन गया मैंगो का उसमें। चले गाइस पहले हम लोग बिस्तर समेटते हैं, फिर गाइस यहाँ का जो है पोछा भी लग चुका है और पंखा चल गया, गीला हो रहा है, मैं बेड पे बैठ जाऊँ। हम लोग कारपेट हटा के झाड़ू देते हैं और हानिया वहाँ की झाड़ू दे रही हैं और हुरिया ये रही। कैसा हो रहा है हुरिया मौसम? और जो है आप लोग एक चीज़ दिखाती हूँ, हानिया कह रही है ये तो बैग तो हमारे यहाँ आ जाएंगे, इसके नीचे जो चप्पलें रखी है ये हानिया मैडम ने रखी है, कह रही है अब यहाँ पे चप्पलें रखी जाएंगे एक साइड साइड में ताकि कोई देख ना सके। सो गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं, बाहर इतनी सर्दी हो रही है और अभी तक रोड वगैरह सब गीले हैं, और जो हमारा पक्का हो गया था कि हम लोग क्या कहते हैं जाएँ, क्योंकि मुझे पता था पक्का हो जाएगा, क्योंकि जिस काम में मेरे मामू बोलते ना यहाँ जाना तो पक्का चाहो या पक्का, लेकिन पक्का हो ही जाता है। और ये देखिए रोड अभी तक गीला हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं खिड़की के बाहर हूँ, मतलब जैसे मेरा क्या कहते हैं फेस आया हुआ है बाहर, बाकी तो मतलब अंदर ही है गाड़ी के अंदर, मैं गाड़ी के अंदर नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारे मामू वगैरह जो है वीडियो के अंदर नहीं आते, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है मुझे। हानिया और मोबाइल लेके बैठी हुई हैं और जो बस हमारा पक्का तो नहीं हो रहा कि कहते हैं हम लोग कॉफ़ी पिए सूप में, कहते बस दो चार दिन जो हमने कॉफ़ी सूप पिया था, तो इसलिए अब जो है मुझे लगता है मैं कॉफ़ी या सूप की वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरी चार्जिंग ख़त्म हो रही है, सॉरी मेरे मोबाइल की चार्जिंग जो है अल्लाह ख़त्म हो रही है, तो क्या कहते हैं मुझे लगता है कि मैं नहीं बना पाऊँगी, बस ख़त्म ना हो, क्योंकि अभी तो मैंने पिक्चर्स वगैरह कुछ भी नहीं करी हैं, मुझे इंस्टा पर भी डालना होता है, तो मैं इंस्टा की आईडी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट करिएगा। मैंने अभी अपने जो है क्या कहते हैं प्राइवेट किया हुआ था अकाउंट, अब मैं पब्लिक कर दूँगी ताकि आप लोग मुझे देख सकें कि क्या कहते हैं यही है ना, इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके टाटा बाय बाय।